तो वेलकम टू एमपी लाइव। रब ने बना दी जोड़ी कुर्बान, नील एंड निक्की, ऐसी लगभग 100 से ज्यादा फिल्मों में सुपरहिट म्यूजिक देने वाले, अपनी नायाब धुने देने वाले और अपनी आवाज से सजाने वाले मशहूर संगीतकार जोड़ी सलीम सुलेमान में से मेरे साथ है सलीम मर्चेंट। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एमपी लाइव। बहुत बहुत शुक्रिया एमपी लाइव। मेरे से जो पॉपुलर क्वेश्चन है मैं आपसे वही लूंगा। पहला क्वेश्चन ये था कि वो मोमेंट क्या था जब आप दोनों को ये ट्रिगर हुआ, आपको और सुलेमान भाई को, कि हमको एक साथ म्यूजिक के लिए काम करना है। यार ये तो इसको तो बहुत साल हो गए, हम 25 साल से म्यूजिक कर रहे हैं, फिर भी लोग जानना चाहते हैं अभी भी। देखिए क्या है कि मैं कीबोर्ड बजा रहा था, सीख रहा था तभी, हारमोनियम और कीबोर्ड सीख रहा था, तो जाहिर है मेलोडी में मेरा ज्यादा जोर था और सुलेमान रिदम सीख रहा था, तबला और ड्रम्स। हाँ, तो वो अपने आप में, हम दोनों भाई हैं वैसे भी, तो हम दोनों का एक बहुत ही जो मिलन था वो इट वाज गोइंग टू हैपन एनीवे, क्योंकि वो एक नेचुरल, हम दोनों भाई है, सीखा है म्यूजिक दोनों एक साथ में, तो वो तो होना ही था जी। तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था कि हमने कुछ प्लान किया था, सोचा था कि हम साथ में करेंगे जी। एक और चीज लोग पूछते हैं कि चूंकि आप क्रिएटिव फील्ड से, आप लोग म्यूजिक कंपोज करते हैं साथ में, क्रिएटिविटी में हमेशा ऐसे मोमेंट आते हैं जहां दोनों किसी एक पॉइंट पे एग्री ना हो, उस वक्त किसकी ज्यादा चलती है? उसमें म्यूजिक की ज्यादा चलती है, क्योंकि जब हम दोनों के बीच में क्लैशेस होते हैं ना, सुलेमान कुछ कह रहा है या मैं कुछ कह रहा हूँ, दोनों के बीच में कुछ अनबन होती है, तो म्यूजिक की जीत होती है उसमें हमेशा जी। समझे आप? हाँ, म्यूजिक जीतता है, म्यूजिक हमेशा जीतता है, वहां नहीं, हमेशा म्यूजिक की जीत होती है। एक और चीज है कि आप जितने रियलिटी शोज में देखते हैं उतने सुलेमान भाई नहीं दिखते, उसके पीछे कोई खास वजह? ऐसा कुछ नहीं है, हमने बीच में इंडियन आइडल में हम दोनों एक साथ में गए थे, हमने शुरुआत भी की थी, चक दे बच्चे करके एक शो था, उसमें हमने दोनों होता क्या है कि रियलिटी शो में कभी कभार अलग अलग लोगों के अलग अलग की अलग अलग सोच होती है। सभी को पता है कि सलीम सुलेमान मतलब दो जिस्म एक जान, सलीम सुलेमान, तो लोगों को पता है कि हम लोग दोनों जुड़े हुए हैं, हमारे दोनों की सोच एक है, हम दोनों के ख्यालात दोनों के एक ही है, तो इसमें लोग चूज करते हैं या तो सलीम या सुलेमान। एक और चीज है, आपने भारत को एक बहुत प्राउड मोमेंट दिया है, 2010 फीफा सॉन्ग का आपने एंथम तैयार किया और अभी रिसेंटली सोल्ड मूवी, हॉलीवुड आपका प्रोजेक्ट है, उसकी बहुत तारीफ हो रही है वर्ल्ड वाइड, क्रिटिकली एक्लेम मिल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। कैसा देखते हैं आप इनको? यार ये तो ऊपर वाले की देन है, हम जो मेहनत करते हैं, और मेरी तो यही सोच है कि अभी शुरुआत हुई है, हालांकि 25 साल से हम कर रहे हैं म्यूजिक, पर मैं हमेशा सोचता हूँ कि मैं हमेशा बच्चन साहब को देखता हूँ, बच्चन साहब आज भी स्ट्रगल कर रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें, हमारी तो भी शुरुआत हुई है, हमें तो बहुत कुछ करना है, तो ऊपर वाले ने बहुत शान बढ़ाई है, ऊपर वाले का करम है, आपने हमारे भारतवासी, हमारे भाई बहनों का साथ है, उनका प्यार है, कि बहुत सारे मौके पर हमें सबका एक वो मिला है, एक सपोर्ट मिला है, चाहने वालों ने म्यूजिक को बहुत, म्यूजिक के चाहने वालों ने बहुत सपोर्ट किया है और अच्छी चीज पसंद करते हैं। आप रियलिटी शो में जा रहे हैं, मैं आपका टाइम नहीं लूंगा, रियलिटी शो बोल रहा हूँ, आप एक इवेंट में जा रहे हैं, बस लास्ट में मेरे 30 लाख दर्शक आपको देख रहे हैं, आपको बहुत प्यार करते हैं, जो आपके दिल में है जितना है उतना गुनगुना दीजिए। बस मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और कहूंगा शुक्रन अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह, शुक्रन अल्लाह वाला हम्दुलिल्लाह। थैंक यू जी, थैंक यू सलीम मर्चेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।